Yes. Who all children tried this question number 5? Raise your hand. Very good, very good. आंसर मिल गया था आपको 25 डिग्री, जो मैंने आपको क्लू बताया था. यस यस, ओके, वेरी गुड. चलो, अभी आप में से ही 7G से आई कुड सी हैंड्स. फर्स्ट रो में जो गर्ल्स बैठी हैं, प्लीज स्टैंड एंड एक्सप्लेन मी कैसे किया था ये क्वेश्चन. यस यस, हाँ जी बेटा. यस बेटा. बेटा शीट अपने साथ रखो, असाइनमेंट साथ रखो अपने, है ना? आप वहीं से मेरे को बताओगे ना किसको क्या लिया आपने, कहाँ से शुरू किया क्वेश्चन. यस बेटा. यस, अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी, थोड़ी सेटिंग करो वहां पे. यस, जी सेक्शन से द गर्ल इज एक्सप्लेनिंग कि 25 डिग्री कैसे आया आंसर, कल जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था. यस बेटा. ई सेक्शन बेटी आपकी वीडियो हिल रही है, थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी. सेवन थे. यस मैम एंगल ADC, मैम ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मैम अगर हम, मैम D हमारे पास दिया हुआ 90 डिग्री एंड A है 65। अगर हम इन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो हमारे पास X की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आ जाएगी. अभी एक्स तो ऊपर है, लेकिन मैम है बट अगर हम, मैम इसको घुमाकर देखें मैम तो हमें 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। यस 90 का है क्योंकि वो रेक्टेंगल है. यस, यू आर वेरी मच राइट. तो 65 डिग्री हमें नीचे दिया हुआ है, एक्स ऊपर दिया हुआ है ना. मैम 90 प्लस 65, यस मैम इन दोनों का प्लस करके हम अगर हम 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 डिग्री आ जाएगा वेरी गुड, वेरी गुड, एक्स की वैल्यू। वेरी गुड. और किसने निकाला है? एनीबडी एल्स? यस, वो रेड टी शर्ट जिसने पहनी है पीछे. यस, वेरी गुड. कम फॉरवर्ड, एक्सप्लेन मी हाउ डिड यू डू. वेरी गुड. आपने इसी मेथड से किया या किसी और मेथड से किया बेटा? यस, मैम किसी और मेथड से, बताओगी? जो रिक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो हाँ जी. हम यस 90 माइनस 65 किया, 90 प्लस 90 माइनस 65, फिर 25 हमारा साथ वाला एंगल आ गया, फिर वेरी गुड, एक्स और एंगल अल्टरनेट हो गया। वेरी गुड. हाँ देखो, उसने दूसरे मेथड से किया है ना. तो आपके कितने वेज होते हैं ना ये क्वेश्चन करने की. बिल्कुल ठीक है बेटा. यस, उसे भी बिल्कुल ठीक बताया था. तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ना. फिगर थोड़ी सी बड़ी है तो, बट कोई बात नहीं. हमारा, आप देख रहे हो कि ऊपर वाला तो ट्राइंगल था हमारा यूज ही नहीं हो रहा फिगर में. तो कोई भी फिगर अगर आपको दी हुई है तो उसको देख के घबराना नहीं है कि पता नहीं क्या कुछ दिया हुआ है. सिंपल सा एक नीचे रेक्टेंगल है, उसको हम यूज कर रहे हैं. यू हैव सीन इट. देखो, ये रेक्टेंगल था आपका, उसके ऊपर ट्राइंगल था. ट्राइंगल तक तो हम पहुंचे ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी. किस किसने निकाला 25 डिग्री? रेज योर हैंड बेटा. वेरी गुड, काफी बच्चों ने निकाल लिया. ओके है जरूर है या पर इसका कैमरा नहीं है। ओके, ठीक है सेक्शन ई एंड सी बेटा, कैन यू हियर मी? आ रही है. ओके गुड बेटा, ठीक है बेटा. सेवन थे बेटा. ओके चलो, गुड बेटा. इफ यू वांट आई कैन डू दिस क्वेश्चन ओवर हियर. जो चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, प्लीज रेज योर हैंड. और घबराना नहीं है, डोंट फील कि हमारा तो हुआ ही नहीं. कोई बात नहीं, नया क्वेश्चन था, नहीं हुआ तो क्या हो गया. यस आई एम डूइंग इट देन, हैंड्स डाउन. ओके, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे. फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, इसके हम डायगनल ड्रॉ करेंगे. ठीक है बेटे, इसका नेम भी लिखना है हमने, ए बी सी डी. यहाँ पे हमारा
ई आ रहा है, ऊपर एफ है, ठीक है। यहाँ पे आपको 65 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू हमने निकालनी थी, ओके। एंड दिस इज गिवन, बहुत अच्छी एक वो क्लू दिया हुआ है कि ट्राइंगल आपके पास सीई एफ एक इक्विलेटर ट्राइंगल दिया हुआ है। ये आपको इक्विलेटर ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल सीई एफ इज इक्विलेटर ट्राइंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। और दूसरा आपको दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल, ठीक है बेटे। तो रेक्टेंगल में आपको पता है, अभी रेक्टेंगल का नाम जैसे आपके सामने आ गया, आपको ये पता चल गया कि ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। यू कैन यूज दैट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है, लेकिन उसमें से एक आपको 65 दिया हुआ है, तो मैं एंगल वन निकाल सकते हैं उसमें से। प्लीज राइट डाउन एंगल वन हियर बेटा। वन प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। जिन बच्चों ने नहीं किया था, यहां तक समझ आ गया आपको? टिल हेयर इट इज फाइन बेटा। रेक्टेंगल में ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो हमने 90 में से 60 माइनस किया, तो दूसरा वाला पार्ट भी उसका आ गया जो मिसिंग था, एंगल वन हमारे पास आ गया यहाँ पे माइनस करके, ओके। फाइंड आउट एंगल वन, दिस इज 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, इट इज इक्वल टू 25 डिग्री, ठीक है। अभी हमारा सिर्फ एंगल वन आया है, अभी हमने एक्स की बात नहीं की है, ओके। नाउ सिंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, सिंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, अब वो रेक्टेंगल है तो आपको पता है उसकी आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल होती हैं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसलिए देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल टू एक्स आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स आपने पढ़ा हुआ है बेटा? यस। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। कौन कौन से? एंगल वन एंड एक्स। एंगल वन एंड एक्स, एंगल वन ये वाला और एंगल एक्स आपके पास, हाँ दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, बहुत क्लियरली दिख रहा है, ओके। तो हमारे पास जब ये एंगल इक्वल है तो फिर एक्स कितने डिग्री होगा? अब आपको पता चल गया है x will be equal to 25, ठीक है, यही आपको निकालना था। ठीक है बेटे, दिस वॉज सिंपल ऑल्सो, और थोड़ा सा बस थॉट प्रोसेस लगना था, केयरफुली डायग्राम को देखना है और कुछ नहीं है। और प्लीज माइंड इट, आपका ट्राइंगल का चैप्टर है, जैसा मर्जी आपको क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आपको उस पे फोकस करना है जो चीजें हमें गिवन है, ओके क्योंकि गिवन चीज जो है उससे हमें बहुत बड़ा क्लू मिल जाता है कि हम यहां से शुरू करेंगे, वहां से वहां पहुंचेंगे, फिर हम हमें जो पूछा गया वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। कई क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि जो चीज हमें से पूछी होती है, जैसे एक्स की वैल्यू पूछी गई है यहाँ पे, ठीक है, तो एक्स को मैं देख रही हूँ कि एक्स हमारा कहाँ से आएगा, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एक्स, देखना शुरू कर दो उसको केयरफुली डायग्राम में कि एक्स की वैल्यू तब आएगी जब हम धीरे धीरे गिवन वाले एंगल्स के पास पहुंचे। अगर मेरे को पता है कि इस एंगल के पास अगर मैं पहुंच जाऊं तो मेरे पास एक्स भी आ जाएगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। अब यहां तक पहुंचने के लिए आपको फटाफट पता चल गया कि रेक्टेंगल था 90 डिग्री था, तो हमने उसको यूज कर लिया। एनी डाउट इन दिस? नो। इन बच्चों ने नहीं किया था, आर दे फाइंडिंग इट इजी? अब आपको लग रहा है कि ये इजी क्वेश्चन था, ओके तो इसलिए थोड़ा सा एफर्ट करनी है सोचने में, ओके बेटे आगे है सेशन रीजन। यस, सेकेंड क्वेश्चन एमसीक्यू का जो कल किया था हमने, ओके ओके। इन सेकेंड क्वेश्चन बेटा, डायग्राम वॉज गिवन टू यू, नॉट गिवन टू यू, यस हमने खुद ड्रॉ किया था। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री, दिस इज ट्राइंगल एबीसी,
पूरा का पूरा एंगल हमें 100 डिग्री दिया हुआ था, ये हमने लिख लिया, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर अगर स्पेस नहीं है तो एरो डाल के उसको बाहर भी लिख सकते हो। ओके, पहले अंडरस्टैंड कर लो, बाद में नोट करना, क्योंकि आपका फिर पूरा ध्यान ना नोट करने में चला जाता है। एंगल ए इज 100 डिग्री, ए डी बाइसेक्स एंगल ए, ए डी बाइसेक्स एंगल ए। यहाँ पे ए डी आ रहा है, वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब उसके टू इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं। यू नो व्हाट इज बाइसेक्ट? एवरीबडी नोज बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना। इसका मतलब मेरे को क्लू मिल रहा है कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू है। आई कैन राइट इट, ठीक है बेटे। और दूसरी चीज हमें दी हुई है, ए डी इज परपेंडिकुलर बी सी, इसके ऊपर भी ये परपेंडिकुलर है। इसका मुझे पता चल रहा है कि थ्री और फोर जो है वो एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये भी मुझे पता चल गया, ठीक है। जो जो एंगल आपको पता चलते रहते हैं उनको मार्क भी करते रहो, 1 2 3। ओके, जरूरी नहीं होता उसको ए बी सी सी बी डी और बी सी डी लिखना है, वो लिखने में थोड़ी गलती भी हो जाती है और देखने में बहुत टाइम जाता है आपका ट्राइंगल में। जो भी एंगल आपको दिख रहा है या दिया हुआ है उसको 1 2 3 4 मार्क कर लो और उसको उसी फॉर्म में ही क्वेश्चन में यूज करो। नो बडी कैन मेक इट रॉन्ग। ओके बच्चे, टीचर्स को भी देखने में ठीक लगता है कि हाँ इसने एंगल वन की बात कर रहे हैं, इसमें एंगल टू की बात कर रहे हैं और इसमें 1 + 2 की बात कर रहे हैं। 1 + 2 कितना डिग्री है? हु विल टेल मी? 100 हाँ, 1 + 2 इज 100। यस, तो आपको पता चल गया दो एंगल्स का सम हमारे पास 100 डिग्री है और वो दोनों इक्वल है। तो आप मेरे को बता सकते हो कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू कितना होगा? 50, 100/2। यस, इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं उसके, दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब आपको पता चल गया कि एंगल ये 50 डिग्री है और नीचे वाला थ्री जो है वो 90। अब आपको ये एंगल भी पता है और ये भी पता है इस ट्राइंगल के अंदर, छोटे वाले ट्राइंगल एबीडी के अंदर टू एंगल्स आपको पता चल चुके हैं। ओके, यू हैव टू फाइंड इसमें वैल्यू, एंगल बी फाइंड आउट करना था आपको। कैन यू फाइंड एंगल बी फ्रॉम नाउ? थ्री भी पता है और वन भी पता है आपको, Yes. बाय विच प्रॉपर्टी? Sum of the all interior angles of triangle equals to 180 degree. यस, एंगल सम प्रॉपर्टी, आप शॉर्ट फॉर्म में उसको एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, ठीक है। दिस डाउट इज क्लियर नाउ? ओके, Yes. 180 में से जब माइनस करोगे तो 40 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलो, कम टू असर्शन रीजन बेटा। यू वॉन्ट टू से समथिंग? 7F से जो सेक्शन बचा आगे आया है, I have doubt in MCQ question number 3. क्वेश्चन नंबर थ्री। ओके, व्हाट इज द डाउट बेटा? पूरा क्वेश्चन, ठीक है, बैठो, आई एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। आर यू नोटिंग इट? कई बच्चे नोट कर रहे हैं, आई कैन सी। चलो आई विल वेट फॉर अ मिनट, नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। सेक्शन सॉरी, क्वेश्चन नंबर थ्री भी मैं दोबारा करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। कल मैंने आई थिंक स्टार भी लगवाया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको यू हैव टू रिवाइज इट, ठीक है। जो नए क्वेश्चन है प्लीज उसको दोबारा दोबारा रिवाइज किया करो, फिर वो ऑटोमेटिकली आपको ईजी लगना शुरू हो जाता है। ओके, और आप एक्सपर्ट भी हो जाओगे कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए टू अभी सॉल्व इट। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। यू सेड क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में बेटे आपको डायग्राम दिया हुआ था। देर वॉज अ ट्राइंगल, ओके, एंड दिस वॉज इन फिगर, दिस एबीसी इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल। ये इक्विलेटर ट्राइंगल था, ये तीनों साइड्स इक्वल थी। कल बताया था मैंने आपको इक्विलेटर की प्रॉपर्टी, आपको पता है एंगल्स भी सारे इक्वल होते हैं और साइड्स भी सारी इक्वल होती हैं और ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है, पता है ना आपको। ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। उन्होंने सिर्फ नाम बताना है और प्रॉपर्टीज आपने फटाफट खुद ही लिख लेनी है। और आपको पता है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है। हमने सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा था कि ए बी सी एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, उससे हमने दो चीजें खुद ही लिख ली हैं।
क्योंकि जब भी कोई चीज बताई जाती है तो ऑफ कोर्स होता है कि उसका यूज होगा आगे क्वेश्चन निकालने में, कहीं ना उसका यूज पक्का होगा क्योंकि वो गिवन था। ठीक है बेटे, नेक्स्ट लाइन थी इसकी, ए बी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके अंदर एक और ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल के अंदर एक छोटा सा और ट्रायंगल है, इसका है पॉइंट डी एंड दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी आपको पता है, यू नो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी? मैम यस, व्हाट इज दैट? टू टू साइड्स आर इक्वल। साइड्स आर इक्वल, बी डी अच्छा डी सी। रेज योर हैंड जिसे इसको पता थी ये प्रॉपर्टी आइसोसेलेस की। वेरी गुड। अब दो साइड जब इक्वल हैं तो कौन से एंगल्स उनके इक्वल होंगे? अगर मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ एंगल वन, एंगल टू, ठीक है, और यहाँ पे आपको एंगल एक्स निकालना था, ये एंगल आपको निकालना था एक्स, और ये एंगल आपको दिया हुआ था 88 डिग्री, इफ आई रिमेम्बर, 88 डिग्री आपको गिवन था, इफ यू रिमेम्बर, इज इट बेटा? तो आइसोसेलेस की एक और प्रॉपर्टी कौन सी होती है बेटा, जब साइड्स इक्वल होती हैं तो, टू साइड्स इक्वल दिए हो तो? मैम द बेस एंगल्स आर सेम। यस, अपोजिट एंगल्स आर सेम, जो जो साइड्स इक्वल होती हैं उनकी अपोजिट एंगल्स आर सेम। ओके, कोई भी मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, अगर मान लो उसकी ये दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके सामने वाले अपोजिट एंगल्स, इसका अपोजिट एंगल ये है, इसका अपोजिट एंगल ये है, इसका अपोजिट, कैन यू सी दिस साइड, इसका अपोजिट दिस साइड, दिख रहा है आपको? जो भी टू साइड्स इक्वल होंगी उनके आमने सामने वाले एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। दिस इज क्लियर? यस, रेज योर हैंड, दिस इज क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। अगर मैं कोई और ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ, अगर उसमें ये टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? इसके सामने वाला एंगल ये वाला, और इसके सामने वाला एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो देखने में, एरो ड्रॉ कर लिया करो कि प्लीज इसको नोट कर लो बेटा, ये बहुत बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को भी ये डाउट हो जाता है, सिर्फ इसलिए मैं बोल रही हूँ, जहां भी आपने फॉर्मूला लिखे हुए, नोट्स लिखे हुए, हमने बिगनिंग में मैंने आपको जो 10 पॉइंट्स लिखवाए थे उसमें एड ऑन कर लो कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उनकी ये एरो डाल के हम सामने वाली साइड्स जो है वो इक्वल करते हैं इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है जो आपकी आगे भी यूज होगी और अभी इस चैप्टर में तो बहुत ज्यादा यूज हो रही है, प्लीज नोट इट डाउन। अभी तक आपके कितने पॉइंट्स बन चुके हैं? आई थिंक 12 तो बन चुके होंगे टोटल, 11। 11। ओके, 11 पॉइंट्स आर रेडी। कल भी मैंने एक आधा पॉइंट लिखवाया था, परसों हम मैंने आपको 10 पॉइंट्स लिखवाए थे, आई थिंक कल भी मैंने कुछ बताया था आपको एड ऑन करने के लिए, एवरेज वाला बताया था ना, हाउ टू फाइंड द एवरेज ऑफ टू नंबर्स, उसको भी इसमें ऐड कर लो। ओके, वो भी आपका काम आएगा। और दिस इज द 12th पॉइंट विच आई रिमेम्बर, मेरे को याद आ रहा है कि कल मैंने आपको 11th पॉइंट एवरेज वाला बताया था कि टू नंबर्स का एवरेज क्या होता है, उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय टू। ओके, एंड ये 12th पॉइंट है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर टू साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। एरो लगा के आपने लिखना है, एरो से आपको ये पता चलता है कि कौन सी साइड है और उसके सामने वाला कौन सा एंगल है, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करके ना, यू विल कम टू नो, बिल्कुल उसके सामने वाला एंगल, बिल्कुल उसके सामने वाला एरो लगा लो, बिकॉज ये आपके अपने पर्सनल नोट्स है, आपने खुद पढ़ना है, किसी ने चेक नहीं करना, इसको आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स बन रहे हैं। इज इट फाइन? कौन कौन लिख रहा है पूरे पॉइंट्स पूरे अच्छे से कि हाँ आपने बाद में देखना है इनको अपने लिए? यस, वेरी गुड। जो बच्चे ये पॉइंट्स लिख रहे हैं नीटली बाद में अपने लिए पढ़ने के लिए, उनको कभी कोई मुश्किल नहीं आ सकती इस चैप्टर में। ऑलराइट बच्चे, सो इन दिस क्वेश्चन बेटा हमारा बी डी इज इक्वल टू डी सी है, तो हमें क्या बता रहा है इसका मतलब है कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बेटा, अब एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू है, आपको पता चल गया। अब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे, मिडल वाले की, इस वाले की, छोटा वाला, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ना,
इसके बारे में बात करेंगे। हम क्यों इसके बारे में बात करना चाहते हैं? क्योंकि 88 डिग्री हमें इसी ट्रायंगल में, यू कैन सी 88 डिग्री जो गिवन एंगल है वो इसी ट्रायंगल का ही एंगल है, इसलिए हम यहां से शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन ताकि हम इसको यूज कर पाए। ओके नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, नीचे वाला जो ट्राइंगल है आपका बीडीसी, इन ट्राइंगल बी डी सी, इस ट्राइंगल में आपको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 88 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप डायरेक्टली उनकी वैल्यू भी लिख सकते हो क्योंकि आपको दिख रहा है वो, ठीक है। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, दोनों इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 88 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को एंगल 1 भी लिख सकते हैं, दोनों को एंगल 2 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कल मैंने शायद इसको एंगल 2 लिखा था एंगल 1 के बदले में, क्यों लिखा था एंगल 2? रीजन बिकॉज़ दे बोथ आर इक्वल, बिकॉज़ बोथ आर इक्वल। और क्या रीजन था? कल मैंने बताया भी था रीजन कि मैं एंगल 2 क्यों लिख रही हूँ 1 के बदले में, इसको याद है? So sweet. कितना अच्छा उसने आंसर बताया। कल मैंने आंसर बताया था कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम 2 के पास आएंगे, जो जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसके पास पास आएंगे, तभी तो पता चलेगा ना उसके बारे में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने कल किया था एंगल 1 के बदले में एंगल 2 लिखा था, तो आज भी हम यही करेंगे, यहाँ पे हम एंगल 2 कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा 2 को लिखना इजी हो जाए। एंगल 1 था, यहाँ पे मैं 2 और 2 लिख देती हूँ ताकि हमारा 2 निकालना इजी हो जाएगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे शुरू कर रही हूँ बेटे, प्लीज से इट। ओके दिस इज 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 88 डिग्री। प्लीज टेल इस वैल्यू, कल क्या निकाली थी हमने, कल काफी बच्चों ने कर भी लिया। 46। एंगल 2 कितना आ रहा था? 46 डिग्री, 46 या 36 आ रहा था? 46 आ रहा था, 46, यस 46 आ रहा था। तो हमने फिर ये पूरा एंगल बताया था कि एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री है क्योंकि वो इक्विलेटर ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल है, आपको याद है? ये हमने शुरुआत में ही फर्स्ट स्टेप में ही लिखा था कि तीनों एंगल 60 डिग्री है, तीनों एंगल 60 डिग्री है, तो मैंने एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री ले लिया क्योंकि x निकालने के लिए मेरे को 2 पूरा एंगल भी पता होना चाहिए, तभी तो मैं माइनस करूंगी ना। ओके तो हमने यहाँ से एंगल c की वैल्यू निकाल ली थी, x विल बी इक्वल टू 60 माइनस 46 माइनस 46 14 डिग्री, 14 डिग्री आपने कल हमने कैलकुलेट किया था। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, कल भी मैंने पूरा क्वेश्चन खुद ही करवाया था। ओके अभी आप जाके एक बार रिवाइज करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। प्लीज जब आप रिवाइज करते हो डू इट बाय राइटिंग, पहले आधे क्वेश्चन को समझो, पहले फिगर को समझो, फिर आधे क्वेश्चन को समझो, फिर उसके धीरे धीरे आगे चलो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन अंडरस्टैंडेबल है बिकॉज आपके रीजन यूज हो रहे हैं, जितने मैंने आपको 10-11 पॉइंट्स लिखवाए ना वही रीजन ही आपके यूज हो रहे हैं बार बार, कुछ वो 8th क्लास का नहीं बीच में आ रहा है कि हमने कुछ नई क्लास का पढ़ लिया। आपके जो सिलेबस में जो पॉइंट्स हैं, जो भी आपके फॉर्मूला यूज होते हैं, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके बेटे पेशेंस से करो और स्टेप बाय स्टेप करो, कोई लंबा क्वेश्चन है तो उसको आधा आधा करके करो कि यस यहाँ तक तो मेरे को पता चल गया क्या आता है, यहाँ तक तो आई एम परफेक्ट। आधे क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करो फिर आगे चलो कि यस अभी आगे क्या हो सकता है, फिर आपको पूरे की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। जब आप 10 क्वेश्चन करते हो 10 में से एक आधा क्वेश्चन ऐसे होते हैं, होता है कि नहीं, एक आधा क्वेश्चन होता है उसमें कि हाँ इसको मेरे को ज्यादा केयरफुली करना है, और जो क्वेश्चन पे आपको ज्यादा एफर्ट लगे समझने में उसको स्टार लगा लिया करो, मार्क कर लिया करो कि ये क्वेश्चन को मेरे को जब जब मैं करूंगी तैयारी इसको मेरे को ध्यान से देखना है, और बिना लिखे मेरी तैयारी नहीं होगी क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए उसकी। कुछ क्वेश्चन होते हैं देखते सारे आपको पता चल जाता है कि हाँ इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। ओके बच्चे
चलो वेरी गुड। अभी चलो एसर्शन रीजन स्टार्ट करें। फर्स्ट एसर्शन इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ वर्टेक्स अ ऑफ पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। अपने पॉइंट्स निकाल लो बेटा, अपने जो जो आपने 10 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स लिखे थे ना, उनको सामने रखो, देन यू विल अंडरस्टैंड। क्योंकि मैं तो आपको एवरीडे कुछ बताती ही रहूंगी, रिवाइज करवाती रहूंगी, बिकॉज मैंने तो बताना ही है आपको, आपको रिकॉल करवाने के लिए कि हाँ हमने ये परसों पढ़ा था। बट यू हैव टू सी योर ओन राइटिंग ऑल्सो कि यस ये पॉइंट मैंने यहाँ लिखा था, ये पॉइंट यहाँ लिखा था, उसका यूज हो रहा है यहाँ पे। असर्शन, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द ट्रू। मीडियन ऑफ द ट्रू हु आर सेइंग ट्रू, रेज योर हैंड। ये पॉइंट लिखा हुआ है आपने, वेरी गुड, दिस इज ट्रू। रीजन, अ ट्राइंगल कैन हैव एट द मोस्ट वन मीडियन। फॉल्स, सकता फॉल्स। एक अगर ट्राइंगल आपके पास है तो उसमें मीडियन तो किसी भी वर्टेक्स से आ सकता है, है। थ्री वर्टिसेस हैं, तो मीडियन यहां से यहां भी जा सकता है, ठीक है, यहां से यहां भी आ सकता है, और इधर से इस वर्टेक्स से इधर भी जा सकता है। जितने वर्टेक्स हैं, जितने उसके वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, उतने ही उसके मीडियन भी होंगे, ठीक है बेटे। दिस इज फॉल्स। तो विच इज मैचिंग, ए बी सी या डी? सी ऑप्शन। ऑप्शन, वेरी गुड, फर्स्ट इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्वेश्चन बेटा, एसर्शन, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट लाई आउटसाइड द ट्राइंगल। फॉल्स वेरी गुड, रीजन व्हाई इट इज फॉल्स, बिकॉज ऑब्ट्यूज एंगल बिकॉज ऑब्ट्यूज एंगल इज ट्राइंगल। आउटसाइड द ट्राइंगल। वेरी गुड, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड जो होता है वो बाहर होता है, ठीक है बेटे। दिस इज फॉल्स। रीजन, एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। ओ वेरी गुड, ये स्टेटमेंट उन्होंने बार बार बोल दी है ना बेटे, ठीक है बेटे, ओके बच्चे। तो विच इज द ऑप्शन, सी और डी? वेरी गुड, आप बहुत स्मार्ट हो गए हो, अभी आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन, असर्शन, ऑल द मीडियंस एंड ऑल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सेम। ट्रू, यस, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें मीडियन और ऑल्टीट्यूड सारे सेम होते हैं, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको देखने में भी बहुत यू नो ऑल द साइड्स आर इक्वल है, वो पता चल जाता है कि सिमेट्रिकली बना हुआ है, वो सिमेट्रिकली बना हुआ है तो उसका ऑल्टीट्यूड भी सेम होगा और मीडियन भी सेम होगा। इसका मतलब है कि जो ऑल्टीट्यूड होगा वो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। किसमें, कौन से वाले ट्राइंगल में? प्लीज इक्विलेटरल इसको लिख लो, 13 पॉइंट, 13 पॉइंट आपका होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, प्लीज राइट डाउन, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बाइसेक्टर। जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्टर, बाइसेक्टर भी होता है। इसका मतलब कि ऑल्टीट्यूड जो होता है, ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन ये स्पेशलिटी है उसकी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। प्लीज नोट इट डाउन, 13 पॉइंट लिख लो। एवरीबडी हैज रिटन, प्लीज ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लो, है ना, डायग्राम से बहुत क्लियर हो जाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, मार्किंग की है, और आपको पता है ये ऑल्टीट्यूड आ रहा है ऊपर से और नीचे उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है, यहाँ पे टू इक्वल लाइन ड्रॉ कर। मैंने फर्स्ट डे आपको बोला था यू हैव टू यू हैव ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज आ चुकी है अभी, ठीक है, और जब तक चैप्टर खत्म होगा, आपके मॉड्यूल खत्म होगा, तब तो यू विल बी परफेक्ट इन दैट, ओके। तो फर्स्ट रिसर्चन था, ऑल द मीडियंस एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सेम, दिस इज ट्रू, ठीक है। रीजन, ऑल द मीडियंस एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर सेम, फॉल्स। दिस इज फॉल्स। आइसोसेलेस में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो थर्ड वाली साइड अनइक्वल होती है उनके,
ठीक है, यस सी ऑप्शन, वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन, असर्शन, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 6 and 8 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड लाइज बिटवीन 2 cm and 14 cm। मैम ट्रू, ट्रू है ये, ओके। ये पढ़ा हुआ आपने फॉर्मूला बेटा? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज ट्रू। रीजन, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। मैम ट्रू, ठीक है, यही जो रीजन उन्होंने फैक्ट लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, वही का वही आपका एसर्शन और उन्होंने फाइंड किया वैल्यू 2 cm and 14 cm। ठीक है, आपने बुक में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो इसकी ए ऑप्शन आएगी क्योंकि दो, यस फोर्थ इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, एसर्शन में आपको फिगर दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री। ट्रू, ट्रू, हाउ, व्हाट इज द रीजन, कौन बताएगा? द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ओके, अपोजिट इंटीरियर में एक्स तो दिया ही नहीं हुआ हमें। अच्छा, आप फाइन फाइन, वेरी गुड, ओके, ठीक है ठीक है, गुड। एनी अदर रीजन? उसे एक्सटीरियर एंगल से निकाला है, कोई और भी रीजन? मैम एक्सटीरियर एंगल, मैम जो सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल, सो वी कैन राइट इट 110 माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू 70। वेरी गुड, यू कैन राइट इट, यस। कोई और मेथड भी हो सकता है इसको निकालने का? मैम 180 माइनस 110 डिग्री, देयर विल बी 70 डिग्री एंड इट विल बी, यस। रीजन क्या आएगा इसका, रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर, इज इट लीनियर पेयर इज द रीजन। लीनियर पेयर में दोनों का एंगल 180 डिग्री होता है, पता है ना आपको? एक लाइन है आपके पास, अगर उसमें टू एंगल्स बन रहे हैं, अगर एक आपको 110 है तो दूसरा निकाल सकते हो, उन दोनों का सम आपके पास 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। ओके, एक क्वेश्चन को निकालने के कई मेथड्स होते हैं, इज इट फाइन? अगर काफी कई बच्चों ने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है वो भी ठीक है, आंसर विल बी सेम, 70 डिग्री आएगा। अगर कई बच्चों ने लीनियर पेयर से किया है तब भी ठीक है, सेम आंसर आएगा 70 डिग्री। ठीक है, अभी हाथ खड़े करो किस किसने एक्सटीरियर वाले प्रॉपर्टी से किया है, रेज योर हैंड। ओके ओके, हैंड्स डाउन। और किस किसने लीनियर पेयर वाले मेथड से किया है? चलो, वेरी गुड, यू कैन अप्लाई एनी मेथड, दिस इज ट्रू। रीजन, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाओ या वो लगाओ तो आपका आंसर जो है 70 डिग्री आ रहा है, तो इट विल बी ऑप्शन, मे ऑप्शन, यस ए ऑप्शन आएगी इसकी। चलो, कम टू केस स्टडी क्वेश्चन। केस स्टडी क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है बेटा, प्लीज ड्रॉ इट। एक बड़ी फिगर 3 lines यूज करके इसको ड्रॉ कर लो क्योंकि उसमें जो छोटी सी फिगर है फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले बेटे आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, यू कैन सी। एक बड़ी फिगर होनी चाहिए बेटा, नीट एंड क्लीन, बीच में आपने लिखना भी है इसके। सारे एंगल्स और सारी साइड्स ऐसे लिख लो जैसे लिखी हुई है उसमें, ए बी सी, देन दिस इज जी, दिस इज जी ई एफ। जिनको क्लियरली वहां पे वर्कशीट में नहीं दिख रहा है, दे कैन सी फ्रॉम द बोर्ड। ओके, उनके अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं, उनकी मार्किंग दी हुई है हमें, दिस इज 92 डिग्री, दिस एंगल इज गिवन 92, दिस इज गिवन 92 डिग्री। मैं एरो लगा के कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं भी छोटा लिखूंगी फिर आपको दिखेगा नहीं। ओके, दिस इज 92, दिस इज एक्स, छोटा वाला एंगल एक्स है,
ये फिर वाई आपको दिया हुआ है और एक जेड है। वाई वाई नीचे वाला एंगल है और जेड मिडल वाला एंगल है। तीन एंगल एक साथ ही हैं, एक्स वाई एंड जेड। ओके, जो जो हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। ई एफ ए हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, इज राइट एंगल ट्राइंगल। ई एफ ए इज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री है, क्योंकि जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है उनको हम अपने वर्ड्स में लिख लेते हैं जहां से हमें समझ आ सके कि इसका यूज कैसे करना है। और उसके बाद आपको दिया हुआ है एंगल ई एफ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ई एफ ए दिया हुआ है तो ऑफकोर्स एंगल एफ होगा। ई एफ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री हम ऑलरेडी लिख भी चुके हैं, ये गिवन है आपको। और दूसरी चीज दी हुई है कि एफ इक्विलेटर ट्राइंगल, एफ जी बी ट्राइंगल, एफ जी बी इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल। ठीक है, जब इक्विलेटर दिया होता है तो हम उसकी प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं। कौन कौन से होंगे एंगल? बी इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल जी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये तीनों की तीनों इक्विलेटर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल्स इज इक्वल टू 60 डिग्री होंगे। ठीक है बेटा, चलो स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एक्स। मैम ऑप्शन बी 28 डिग्री। हाँ ओके, खड़े होके बताओ बेटा किसने किया और कैसे किया है, विच सेक्शन? यस सेक्शन एफ। यस बताओ बेटा, ऑप्शन बी 28 डिग्री। मैम द आंसर, मैम दिस इन ट्रायंगल जी सी एफ, मैम वी विल टेक ट्रायंगल जी सी एफ, मैम हियर 92 डिग्री इज गिवन। यस वेरी गुड मैम, एंड एंगल जी इक्वल्स टू 60 डिग्री। वेरी गुड वेरी गुड मैम, वी विल फाइंड द एंगल एक्स with angle x plus 92 degree plus excellent sit degree down is equal to 180 degree। very good, very good। हमने पहले भी डिस्कस किया था जो एंगल आपको दिए होते हैं उनको यूज किया करो, तभी तो हमने ये सारी स्टोरी लिखी है। ठीक है, अगर उन्होंने दो चीजें बताई हैं तो उससे हम चार चीजें लिख पाएंगे क्योंकि हमें उनकी प्रॉपर्टी पता है। उन्होंने बोला कि राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने खुद 90 डिग्री लिख लिया। फिर दे सेड कि इक्विलेटर ट्रायंगल है, हमने खुद उसको 60 डिग्री लिख लिया। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ने का फायदा कितना है, आप यूज कर रहे हो उनको एंगल को। तो ही इज टॉकिंग अबाउट इन ट्रायंगल सी जी एफ, इन ट्रायंगल सी जी एफ। ठीक है, आपने ये निकालना था एंगल एक्स, तो आप लिख सकते हो इसमें 92 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, he has found it, that is equal to 28 डिग्री। और ये बिल्कुल ठीक है आंसर आपका। ओके, ये छोटी सी कैलकुलेशन है, यू कैन ट्राई एट होम, इसको एक लाइन और लिख के कर सकते हो आप। ठीक है, दिस योर होमवर्क पार्ट, यू कैन एड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 180 डिग्री, आपके पास 28 डिग्री आंसर आ जाएगा। सेकेंड इज व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल z? 32 डिग्री। ऑप्शन सी 32 डिग्री। 32, हाउ? मैम एंगल बी एफ सी प्लस एंगल सी एफ जी इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल बी एफ सी प्लस एक्स इक्वल्स टू 60, एंगल बी एफ सी इक्वल्स टू 60 माइनस 28 इक्वल्स टू 32। माइनस 28, वेरी गुड, 60 माइनस 28, यू नो ये आपका इक्विलेटर ट्राइंगल गिवन है, नीचे वाला जो एंगल है ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, ये वाला एंगल बी जी एफ आपको इक्विलेटर ट्राइंगल गिवन है ना। हम दोबारा से सेम ही ट्राइंगल यूज कर रहे हैं। आपको पता है कि पूरा का पूरा जो एंगल है यहाँ पे, ये पूरा एंगल आई एम मार्किंग हियर विद द डार्क कलर, आपको पता चल जाएगा, ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा है ये 60 डिग्री है बेटा, क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल था, ये वाला इक्विलेटर ट्राइंगल है, पता है ना आपको। दोबारा हम सेम ट्राइंगल यूज कर रहे हैं। ओके, तो सेम ही ट्राइंगल में आपके पास आ रहे हैं एंगल एक्स प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक्स आपको पता चल चुका है, यू कैन फाइंड जेड एंगल, जेड एंगल 60 डिग्री माइनस 28 डिग्री। ओके, ऑप्शन आपकी आ रही है सी। मैम यस मैम, मैंने दूसरे मेथड से किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके।
ये क्वेश्चन को करने के बहुत मेथड होते हैं, बता दो एक बार खड़े होके कैसे मेथड से किया है। आपने मेरे को ये आपने फर्स्ट में भी आपने ही बताया था ना बेटा। हाँ चलो बता दो फिर, सेकंड भी बता दो। हाउ हैव यू यहाँ डन? पर मैम एंगल सी मैम लीनियर पेयर से निकाला है, 92 डिग्री वाला, 92 डिग्री लीनियर। ओके तो जेड इज इक्वल टू ओके बताओ एक्सप्लेन। 92 प्लस 180 माइनस 92 किया आपने। इट्स यस ओके यू कैन डू इट, नो ओके प्रॉब्लम, तब भी सेम ही आएगा। कितनी सारी प्रॉपर्टीज आपके पास है, कोई भी प्रॉपर्टी लगाओ नो बडी कैन मेक इट रॉन्ग। उसने क्या किया, ये टोटल 180 डिग्री लाइन के ऊपर बन रहा है, तो उसमें से 92 माइनस किया तो आपके पास जो है वो ये वाला एंगल आ गया, और फिर एक्स निकाल लिया। इट्स ओके जेड निकाला फिर उससे, है ना। फाइन थर्ड एंगल वाई माइनस टू एक्स। सबसे पहले आपको वाई निकालना पड़ेगा, थर्ड क्वेश्चन वाई एंगल निकालना है ये वाला। जो जो गिवन चीजें हैं प्लीज उनको रीड करो, उनमें से कहीं ना कहीं हमारा यूज होगा ये। वाई एंगल 90 डिग्री माइनस 32, नाइनटी डिग्री टू माइनस नाइनटी थर्टी टू टू यस 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री इज इक्वल टू 58। यस। सामने दिख रहा है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन आपके ऐसे वाले ही आते हैं एंगल फाइंड आउट करने वाले, ठीक है। तो आपका वाई एंगल जो है 58 डिग्री आ रहा है, तो वाई माइनस टू एक्स पूछ रहे हैं वो। मैम द आंसर इज 2 डिग्री मैम माइनस टू आंसर आंसर यस आंसर इज टू, ए ऑप्शन टू। किस किस ने कर लिया टू, रेज योर हैंड। वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल एफ बी जी। एफ बी जी 60 डिग्री। 60 डिग्री यस क्लियरली दिख रहा है। बार बार वो सेम ही ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, जिसको मैंने रेड मार्क किया है वो तीन क्वेश्चंस में उन्होंने बारे में पूछा है। ओके यू हैव कम टू नो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आएगा। कोई डाउट है इसमें नो टिल हियर? ओके क्वेश्चन नंबर फाइव। मैम ऑप्शन है 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फाइव किसने कर लिया है, रेज योर हैंड। ओके हाँ कैसे निकाला है आपने, यस प्लीज एक्सप्लेन। यस बेटा मैम इन ट्राइंगल ई एफ ए मैम बी एफ मैम देयर इज मैम एंगल एफ इजिकल टू 90 डिग्री यस मैम वी विल टेक मैम 45 डिग्री मैम व्हेन वी डबल इट मैम इट इज 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री। प्लीज सिट डाउन, एक्सेलेंट। प्लीज मेक अ करेक्शन हियर, उसने खुद ही करेक्शन कर ली होगी। आपने ई एफ जी की जगह ई एफ ए कर लिया उसको, है ना, खुद ही किया है आपने। ओके प्लीज करेक्ट इट बेटा, ये असाइनमेंट में ई एफ जी लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल ई एफ जी, इसको इन ट्राइंगल ई एफ ए कर लो। इन ट्राइंगल ई एफ ए, ई एफ जी की बात नहीं कर रहे हम, ई एफ ए की बात कर रहे हैं। की बात कर प्लीज करेक्ट इट। ई इफ ट्राइंगल ई एफ ए इज इक्विलेट, कौन सा है, आइसोसेलेस। ई एफ ए अगर वो आइसोसेलेस होता, जो राइट एंगल हमें गिवन था, अगर वो आइसोसेलेस होता और वो राइट एंगल भी होता, तो ई एफ ई ए निकालना है हमें, एफ ई ए। अब ये एंगल बचा हुआ था, बेचारा दूर बैठा था, अब इसके बारे में भी पूछ लिया उन्होंने। ठीक है तो आपको ये बताया गया है कि ये जो ई एफ ए ट्राइंगल है बड़े वाला, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस इज गिवन, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला ट्रायंगल ये वन पूरा का पूरा बड़ा वाला राइट एंगल तो पहले ही था, और वो आइसोसेलेस भी है, ठीक है। तो उसकी भी प्रॉपर्टी लगानी है आपने। अब आपको जब आइसोसेलेस भी है, आपको पता है ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये आपके पास 90 डिग्री है। ओके शैल आई राइट इट, ई एफ ए इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल, राइट। एफ ई ए इज 45 डिग्री। एफ ई ए किस किस का निकला है 45 डिग्री, रेज योर हैंड। गुड आई एम राइटिंग हियर बेटा, तो पता है एंगल है 90 डिग्री। हम ई एफ ए ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, जो ग्रीन वाला है आपका। एंगल एफ इज इक्वल टू,
और एंगल ए टू एंगल ई है क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कि टू साइड्स इक्वल, उनकी टू एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यू नो इट ना। तो फिर हमारा ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल ई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तीनों का एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। हमने दो बार एंगल किया बिकॉज एंगल ई हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटे, प्लीज सी हियर, मैं इसको क्लीन नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये पूरा क्वेश्चन कनेक्टेड है। ओके, तो आपका आ जाएगा टू टाइम्स एंगल ई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आपकी वैल्यू एंगल ई आ जाएगी 45 डिग्री। ओके, प्लीज ट्राई एट होम, सिर्फ आपने प्लस माइनस करना है जिन्होंने अभी नहीं किया। ओके, 180 माइनस 90 विल बी 90 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 45। जब आप क्वेश्चन करते हो जैसे मैंने शेड किया, आप भी पेंसिल से उसको शेड कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको पता रहेगा अभी हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। एनी डाउट टिल हियर बेटा? प्लीज रिवाइज एट होम, ओके, एंड टेल मी टुमारो हैव यू अंडरस्टूड और नॉट। ओके, चलो वी विल डू इट टुमारो नाउ। प्लीज प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन बेटा, जो आज डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उनको प्रैक्टिस करनी है आपने। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। माइक रिपेयर कर दो।
Thank you.